दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जिला लाहौल स्पीति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बताऊंगा। अगर कुछ समझ नहीं आए या आवाज़ में दिक्कत हो तो अपनी जो वीडियो की क्वालिटी है उसको हाई कर लेना। तो जो जिला लाहौल स्पीति है, हिमाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है। इसका हेडक्वार्टर केलोंग में है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो ये केलोंग है, ये हिमाचल प्रदेश में जो जिला हेडक्वार्टर है सबसे ऊंचाई पर स्थित है। लाहौल स्पीति जो है आपका हिमालय रीजन में पड़ता है, और जो वरालाचा दर्रा है इसके सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यहाँ की भाषाएं हैं कुछ जो यहाँ के लोग बोलते हैं, उनमें से जो पहली भाषा है मनचत, चांगसा और गहरी। अगर इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो ये लद्दाख से वरालाचा, स्पीति की ओर से कुंजम, कुल्लू से रोहतांग और चंबा से कुकती दर्रे के साथ लगता है। दोस्तों, आप यहाँ से लेह लद्दाख जा सकते हैं, वरालाचा दर्रा के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। जो वलाचा दर्रा है ये ग्रेट हिमालय, या जिसको हम बृहद हिमालय या जिसको हिमाद्री बोलते हैं, उसमें स्थित है। और ये हिमाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण दर्रों में से एक है। इसे चौराहों वाला दर्रा कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक साइड से जो लाहौल स्पीति का रीजन है उससे दूसरी साइड से रोहतांग से, और तीसरी साइड जो आपका लेह लद्दाख वाला रीजन है वहाँ से रोडवेज आता है, और इसका जो टॉप वाला है, टॉप जो है बरलाचा दर्रे का, वहाँ पर ये मिल जाता है। मैं एक बात और बताना चाहूँ कि जो ये कुकती दर्रा है ये चंबा और लाहौल के बीच में है। जो कुंजम दर्रा है ये लाहौल स्पीति और जो आपका लाहौल स्पीति है उसके बीच में बाई सेक्टर का काम करता है, दो भागों में विभाजित करता है। जो वरलाचा दर्रे की बात कर रहे हैं, ये वरलाचा दर्रा लाहौल स्पीति और लद्दाख के बीच में है, या आप जम्मू कश्मीर को देखें तो उसके बीच में स्थित है। और आपको एक बात बताना चाहता हूं मैं, जो आपका लाहौल स्पीति है और साथ में जो लद्दाख है, ये कोल्ड डिजर्ट माने जाते हैं। इनको कोल्ड डिजर्ट की कैटेगरी में रखा हुआ है। अब डिजर्ट भी दो तरह के होते हैं, एक ड्राई डिजर्ट होता है और दूसरा ह्यूमिड डिजर्ट होता है। तो जो हमारा लाहौल स्पीति है वो ड्राई डिजर्ट की कैटेगरी में आता है, और स्पीति को हिमाचल प्रदेश का मरुस्थल कहा जाता है। आगे इसका नामकरण या इसको अन्य नामों से जाना जाता है। जो अलग अलग जगहें हैं वहां पर इनको, जो लाहौल स्पीति है उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, और जो वेरियस हिस्टोरियन हुए हैं उन्होंने भी लाहौल स्पीति को अलग अलग नामों से पुकारा है, या अलग अलग नामों से अपने जो साहित्य था या जो उनकी राइटिंग्स है उसमें लिखा हुआ है। तो पहला मैं जिक्र करूंगा, कुछ एक जो विद्वान है इसे लाहा यूल कहते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है देवभूमि। जो लाहा यूल बोलते हैं इसका अर्थ है देवभूमि।